गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू साइंस क्लास एंड टुडे विल लर्न मोर अबाउट प्लांट्स बिकॉज आर थीम इज प्लांट्स, राइट? ओके, सो लेट्स ओपन पेज नंबर 36. यस, दिस इज द पेज एंड वी विल डू आई एक्ट. यूज योर मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व द स्टेम ऑफ अ प्लांट. तो आपको क्या करना है, इफ़ यू डोंट हैव मैग्नीफाइंग ग्लास दैट्स ओके बिकॉज द बुक हैज़ अ क्लियर पिक्चर, सो यू डोंट नीड, आई मीन इफ यू डोंट हैव मैग्नीफाइंग ग्लास दैट्स ओके. ओके, सो बी केयरफुल ऑफ एनी थॉर्न इट माइट हैव. थॉर्न क्या होते हैं? कांटे. ठीक है, तो अगर कोई कांटा है तो आपको ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम से उसको हाथ लगा दो. Draw it in the empty box given below as clearly as possible. So आपको क्या करना है, you have to go to your terrace. अगर terrace नहीं है that's okay. At least you will have one plant at your home. है ना, हमने plants की activity भी की थी, तो एक plant तो हो गई आपके घर में. तो आपको क्या करना है, वो plant देखना है, उसको अच्छे से observe करना है. okay, और आपको यहाँ पर वो draw करना है stem of your plant. आपके जो प्लांट है उसकी स्टेम कैसी है, उसमें थॉर्न है, उसमें कोड नॉड्स हैं, इंटर नॉड्स हैं. अगर कुछ ऐसे आप देख रहे शुगर केन, स्टेम ऑफ अ शुगर केन, अगर आपके पास उसमें अगर ऐसे कट्स हैं, ठीक है, तो आपको वो देखकर और फिर आपको वो बनाना है. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व दी स्टेम्स ऑफ अ रोज एंड शुगर केन अलॉन्ग विद द वन यू हैव ड्रॉन. तो अब आपने देखा स्टेम ऑफ अ शुगर केन यहाँ पर आपको दिख रही है ना, स्टेम ऑफ अ रोज. ठीक है, तो अब आपको ऑब्जर्व करना है. वॉट यू हैव टू ऑब्जर्व इज क्वेश्चन नंबर वन, वट आर द मेन फीचर्स ऑफ दीज थ्री स्टेम्स. अब यहाँ पर शुगर केन के लिए सर्कल दिया है, स्टेम के लिए सर्कल दिया है एंड रोज के लिए सर्कल दिया है. ओके, स्टेम ऑफ आपका जो भी प्लांट होगा यहाँ पर आपको लिखना है उस प्लांट का नाम. ठीक है, सो आपको क्या यहाँ पर फीचर्स दिखे हैं उसके, जो आपने प्लांट ड्रॉ किया है, जो भी आप देख पा रहे हो वो, और जो यहाँ पर पिक्चर्स में दिए हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री स्टेम्स इन द फिगर गिवन बिलो, टेक हेल्प फ्रॉम टीचर इफ रिक्वायर्ड. सो आपको क्या करना है, आई एक्सप्लेन यू बिकॉज इट नीड्स टीचर्स हेल्प ऑल्सो. सो शुगर केन, जो भी ये जो सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके आई विल राइट इट. ये देखो, ये जो ये वाला जो सर्कल है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिफरेंसेस. ठीक है, डिफरेंसेस लिखने हैं. ठीक है, और जो ये सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला एंड ये वाला, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिमिलैरिटीज. ठीक है, यहाँ पर आपकी आ जाएंगी सिमिलैरिटीज. ठीक है, तो आपको ऐसे करके ये फिल करना है. ठीक है, ओके, ओके, नाउ लेट्स गो टू पेज नंबर 37. आई रीड. ओके, सो स्टेम ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर अबव द ग्राउंड. स्टेम आप तना देख पाते हो ना, जड़ नहीं देख पाते, लेकिन तना तो आप देख पाते हो, स्टेम देख पाते हो, है ना. बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सबकी ही बाहर हो, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वी कैन सी दी स्टेम. डिफरेंट प्लांट्स हाउ एवर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम. अब आप खुद ही ऑब्जर्व किया आपने कि आपके पास जो प्लांट था शुगर कैन एंड रोज, दे थ्री ऑफ द, ओके, सम हैव टेंडर स्टेम्स. टेंडर क्या होती है, सॉफ्ट. हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स में जो पढ़ा था, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, तो सबकी स्टेम अलग अलग होती है ना, किन्हीं को हेल्प की ज़रूरत होती है, कईयों की वुडी स्टेम होती है, कईयों की सॉफ्ट होती है ना, सो टेंडर इज सॉफ्ट. ओके, फॉर एग्जांपल हर्ब्स की सॉफ्ट होती है, सम हैव वुडी स्टेम, फॉर एग्जांपल श्रब्स, सम हैव हार्ड एंड टफ स्टेम, फॉर एग्जांपल ट्रीज, जैसे मैंगो ट्री है, उनकी बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेम होती है ना. इवन दो स्टेम मे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट प्लांट्स, सब सारे प्लांट्स की जो स्टेम है वो अलग अलग हो सकती है,
बट द मेन इज दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, उनका जो फंक्शन होता है, जो उनका काम होता है वो सेम होता है. अब जैसे आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जो आपकी टीचर्स हैं, वो अलग अलग आपको सब्जेक्ट पढ़ाती है, लेकिन उनका मेन फंक्शन क्या है, आपको पढ़ाना है ना. सिमिलरली जो स्टॉक जो स्टेम होते हैं उनका उनकी शेप अलग हो सकती है, उनका उनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बट दे ऑल हैव सेम फंक्शन. दे होल्ड ब्रांचेस, ब्रांचेज होती है उनके आसपास, लीव्स होती हैं, ये सब होते हैं, एंड एक्ट एज दी चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल्स. तो जो भी रूट से जो सामान आता है, जो भी मिनरल्स आते हैं, जो भी एयर, जो भी मटेरियल्स आता है, जो भी वाटर आता है, वो फूड और वाटर क्या कौन सप्लाई करता है रूट से, कौन लेकर आता है, स्टेम लेकर आता है. एज यू सी इन द पिक्चर हियर, द स्टेम हैज़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दैट होल्ड बर्ड्स. अब आप ये देखो, ये जो लुक एट द पिक्चर, यहाँ पर जो स्टेम है इसमें स्मॉल स्मॉल बर्ड्स हैं, अगर आपको दिख रही हैं वो. तो दीज बर्ड्स ग्रो इनटू लीव्स, ठीक है. ये जो बर्ड्स होती हैं, ये आप अगर ये रोज़ प्लांट देखोगे, रोज़ का जो प्लांट है उसमें छोटी छोटी बर्ड्स है, कलियाँ आती हैं. आपने देखा होगा ना, पहले कली उगती है, उसके बाद फ्लावर उगता है. And also these birds grow into leaves, branches or flowers. This ring is called a knot. देखो आप यहाँ पे arrow करके भी दिखाया हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, knot बोलते हैं. देखो ये देखो इसको क्या बोलते हैं, knot. यहाँ से क्या आता है, या तो flower आता है, या तो और ज़्यादा leaves उगती हैं, ठीक है. So इसको, इन सबको क्या बोलते हैं, knot, ठीक है. द सेगमेंट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नॉट्स इज कॉल्ड एन इंटर नॉट. अब अगर आप शुगर केन का ये देखोगे, सो ये जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको नॉट बोलते हैं, लेकिन जो ये बीच का पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटर नॉट, ठीक है. ओके, यू विल नोटिस दैट दीज इंटर नॉट्स मे नॉट बी इक्वल इन लेंथ. ये जो नॉट्स होता है, अगर आपने शुगर केन देखा है, तो उसमें जो बीच में स्पेस होता है वो ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा, ये सबका अलग अलग होता है. ओके, नाउ प्रैक्टिस एट होम. इन योर नोटबुक ड्रॉ द स्टेम ऑफ 3 डिफरेंट प्लांट्स, लेबल द नॉट्स एंड इंटर नॉट्स इन देम. अगर आप उसका भी देखोगे, देखो रोज़ का भी अगर देखोगे, देखो रोज़ के स्टेम में भी देखोगे, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये सबका सेम नहीं होता, ऐसे यहाँ पर भी सेम नहीं होता, इंटर नॉट्स होते हैं ये, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर केन में होता है, सारे स्टेम में होता है ये, ठीक है. सो व्हाट्स योर होमवर्क इज, इन योर नोटबुक ड्रॉ द स्टेम्स ऑफ 3 डिफरेंट प्लांट्स. अब आपने ये वाले प्लांट तो कर लिए, और भी प्लांट्स आपको देखने हैं, लेबल द नॉट्स एंड इंटर नॉट्स इन देम, नेम दीज प्लांट्स. अब आपको इनको, इनका नाम बताना है कि आपने कौन कौन से प्लांट के बारे में स्टडी किया है, ठीक है. सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. डू इट एंड शेयर योर पिक्चर्स. आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क. ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम.